सुनीता मिश्रा पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरेली में जिला पंचायत ने बीजेपी को लगा झटका, सपा की जीत। दलित महिला का आरोप, भाजपा नेता ने बोलेरो कार में बंधक बनाकर किया रेप। मैनपुरी में 17 दिनों से गायब नाबालिग का सगा चाचा निकला हत्यारा। शाहजहांपुर में एक युवक की बेरहमी के साथ चाकू से गोद कर हत्या। आगरा में चोरों ने दिया लाखों की चोरी को अंजाम। वृंदावन और बरसाना को तीर्थस्थल घोषित करने से संतों में खुशी की लहर। मात्र 15 रुपए की सैलरी लेकर ताजमहल में नमाज पढ़ाते हैं शाही इमाम। त्रेता युग में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किया था रावण का घमंड सूर। और अंत में देखिए, अगर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो पहले जान लें इसके नियम। निकाय चुनाव के पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव धड़ाम हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं पहुंचा और बैठक का फोरम पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण बीजेपी की तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। बरेली जिला पंचायत में 60 सदस्य हैं और विश्वास प्रस्ताव के लिए 31 सदस्यों का बैठक में शामिल होना जरूरी था। बैठक शनिवार सुबह 11 बजे से सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह के सामने शुरू हो रही थी, लेकिन कोई भी सदस्य बैठक में नहीं पहुंचा। इस तरह से बीजेपी की अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश धड़ाम हो गई। सिविल जज सीनियर डिवीजन शक्ति सिंह ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में कोई भी सदस्य सभागार में नहीं आया, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाना था वो गिर गया। विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आज माननीय जनपद न्यायाधीश बरेली के आदेशानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीठासीन अधिकारी के रूप में मैं उपस्थित हुआ था। बैठक में कोरम पूरा ना होने के कारण बैठक निरस्त कर दी गई है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष बने रहेंगे, कुछ लोग आए या कोई एक भी व्यक्ति को? बैठक के 11 से 1 के मध्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ यहाँ पे बैठक हेतु। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है माना जाएगा गिर गया। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर शाहजहांपुर की दलित महिला ने रेप का आरोप लगाया। उस आरोप है कि बीजेपी नेता ने अपनी गाड़ी में बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। शाहजहांपुर जिले के थाना अल्लागंज क्षेत्र की रहने वाली दलित महिला सरकारी स्कूल में रसोईया है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी बीजेपी नेता रामकुमार ने उसे वेतन बढ़ाने का लालच देकर अपनी बोलेरो कार में बिठा लिया। वो उसको शहर ला रहा था। रास्ते में बीजेपी नेता का ड्राइवर गाड़ी को सुनसान जगह पर ले गया। महिला का आरोप है कि रामकुमार ने कार में उसको बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला को धमकी दी गई कि अगर उसने मुंह खोला तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। पीड़िता ने पुलिस के आला अफसर से न्याय की गुहार लगाई है। आला अधिकारी से शिकायत पर अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच सीओ जलालाबाद को सौंप दी है। हमारे साथ जो है 1:30 बजे हमारे घर पर राम कुमार नेता लेके गए घर पर से, तो ये बोले कि चलो तुम्हारी जलालाबाद में नहीं, अपना आधार कार्ड ले चलो, बैंक किताब ले चलो, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और वहाँ तुम्हारी मीटिंग है, सूचना जाएगी तुम्हारी डी एम पर। तो हमने उनके तो उनके सब लोग जा तो हम जा रहे, और मैं अकेले गाड़ी में लेके गए। इन्होंने हाईवे रोड पर से इधर अम्बिया वाले रोड अनंतपुर वाले रोड पर कम मुड़ दी गाड़ी, जाके भट्टा के आगे इन्हें गाड़ी रोक ली। तो हमने कहा तुम इधर मोड़ का गाड़ी ले आए, चलो जलालाबाद इधर का करना है, इसे ड्राम में जाने हमारा मंसा राम ने इसने मुँह पहुँच लो मेरे जब चुके ला तुम्हारी गाड़ी के अंदर कर दे, गाड़ी ला कर दे। उधर से राम कुमार आएगा इन हमारे से रेप करो और करके इन्हें बस का एक कुछ करिए उस कर जाए कहूँ निकले गाड़ी। तब तो जो मंसा राम आएगा उसने हमें आधा घंटा वाली गाड़ी में छोड़ो, मेरी बहुत बुरी हाल करी काफ़ी होता है, अगर तुमने कहीं सूचना कर दी तो चार्ज मार देंगे, तुम्हारी हड्डी गोड्डी तक नहीं मिलने देंगे। और जो मैंने अपने घर पर लड़का पर कही तो लड़का मेरे से खाने गया तो उसने लड़कों को मेरे लाठी दिनों से मिला वहाँ। तभी राम पास कोई जिसमें नहीं कभी कोई बातें नहीं है। अच्छा, किस कहा क्या क्या काम कर आप क्या काम करती हैं, किस पद पर हैं? खाना बना रहे रसोईया में, स्कूल अपने प्राइमरी में तैयारी में। सरकारी स्कूल है जिसमें? हाँ सरकारी है। इस बार मेरे माता। अच्छा, ये जो राम कुमार है कौन सी पार्टी के नेता हैं? भाजपा कमलपुर।
सामने एप्लीकेशन ना ले बोले जाए तुम्हारा मुकदमा तुम लिखते हो रहे हैं कि तो अपने घर जाओ मुकदमा हम लिख रहे हैं इसे अंदर कर दो। अंदर करके सवेरे हम गए तो बोले जेल जा रहा है तुम अपने घर पर जाओ तुम क्यों परेशान हो और जो दोबारा पता करने गए तो उसे क्यान में चालान कर दो उसे राम कुमार घर पर आप घर जाइए अब उसे क्यान चालान कर दिया बस कोई बात ना आगे बढ़ा रहे अब न्याय पाने के लिए कहाँ आई हम न्याय पाने के लिए एस पी साहब के यहाँ हमें न्याय हमारे मोहल्ला पता कर लीजिए जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के देवी रोड से 11 अक्टूबर को लापता हुए 14 साल के नाबालिग शिवम का शव एलाव थाना क्षेत्र के ग्राम इलाबास में झाड़ियों के बीच छत विक्षत हालत में मिला। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामूली विवाद के चलते युवक के सगे चाचा ने ही गाँव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पहले शिवम का अपहरण कराकर फिरौती की मांग की बाद में बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। दरअसल 11 अक्टूबर के दिन शिवम अपनी कोचिंग के लिए घर से निकला था उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं पहुंचा। शिवम के पिता राजेश ने बताया कि शाम तक शिवम का कुछ पता न चलने पर परिवारी जनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजेश ने बताया कि 16 अक्टूबर को उनके पास 6 लाख रुपये की फिरौती के लिए फ़ोन आया था इसकी सूचना भी अगले ही दिन उन्होंने पुलिस को दे दी थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जाकर शिवम का शव अलाऊ थाना क्षेत्र में झाड़ियों के बीच छत विक्षत हालत में मिला है। शव की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे शिवम के परिजनों ने उसके शव की शिनाख्त कर ली है। शिवम नाम का बालक जो कक्षा 8 का छात्र था कोचिंग पढ़ने के लिए गया हुआ था और फिर वो लौट के नहीं आया। इस पर उसके पिता राजेश द्वारा थाना कोतवाली में पूरी मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और उस संबंध में पुलिस द्वारा लगातार तफ्तीश की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि दो व्यक्ति उसी गांव के रहने वाले हैं जहां का जो जो बालक है वो तो संदिग्ध थे उनको लाकर पूछताछ की गई तो कल ये खुलासा हुआ कि जो मृतक बालक है उसके एक चाचा है महेंद्र जो गांव के रहने वाले हैं इसके उसके द्वारा बच्चे की हत्या करने की उपाय दी गई थी गांव के ही लोगों को और ज्ञात है कब्र करने के पश्चात ये लोग थाना अलावी क्षेत्र के इलाहाबाद से जो जगह है उसके जंगल में ले गए थे बच्चे को वहीं जंगल में इसको मार कर फेंक दिया था। कल जो पूछताछ की गई उस पर जाकर के अभी तो निशादेही पर मृतक के बॉडी के अवशेष बरामद किए गए हैं 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अन्य लोग फरार चल रहे हैं गिरफ्तारी प्रयास चल रहे हैं। वास्तव में जो ये अपहरण हुआ था हत्या के उद्देश्य से हुआ था क्योंकि जो राजेश का एक मात्र पुत्र है इसके पास जमीन काफी है तो ये चेरा भाई महेंद्र है इसकी जो निगाह है और उसके पिता की जो राजेश की उस पर जमीन पर थी तो इसको यदि खत्म हो जाएगा तो भविष्य में वो जमीन इन्हीं को मिलने वाली थी तो उन्होंने गांव के लोगों से पाई दी उसको मरवा दिया और साथ में जो लालच में आकर के उन्होंने बाद में प्रयास किया कि क्योंकि बच्चा गायब चल रहा है इसी बहाने फौरन वसूल कर ली जाए। उन्होंने जाकर के एक रैंसम कॉल की और उस कॉल से क्लियर हो गया कि जो है अपना हुआ है इस बच्चे का और पुलिस ने अपना विवेचना करने के पश्चात घटना अनावरण किया है। घटना सर ये है कि पहले जब कन्हई ने बोला कि ऐसे से बात है और 1 लाख रुपए मारने के मिल रहे हैं और फिर उसके बाद क्या नाम की ट्रॉफी ले लेंगे तो इन्होंने हमने जाके सर हम तो ये नहीं करें क्योंकि हमारे घर की वो मैं उनके घर रहने वाले आदमी हैं कि नहीं करना पड़ेगा मैंने तुम्हें बता दिया नहीं अगर करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे तो हमने की जोरावरी सर मुझे बैठा चले गए हम खुद ही बैठ के चले गए गए फिर वहाँ पे रास्ते में क्या नाम की बातचीत होती रही तो फिर उसके बाद कहाँ ले गए तुम कुसमरा ले गए सर वहाँ मार दिया हाँ सर कुल कितने लोग शामिल थे चलो 3 लोग। क्या ये बच्चा आपका कब गायब हुआ था 11 तारीख किस समय 3:30 बजे कहाँ जा रहा था ये कोचिंग पढ़ने जा रहा फिर उसके बाद ये रास्ते से ही गायब हो गए। अच्छा
कोई तहरीर दिए थे क्या पुलिस को? हाँ, 11 तारीख को शाम को ही तहरीर दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ मिली है डेड बॉडी? डेड बॉडी इधर मिली है, एलाउट से। अच्छा, कितने दिन हो गए? 16 दिन। अच्छा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसमें कौन है? ये हमारे चाचा हैं, चाचा के दो लड़के हैं। किस परिवार के? अच्छा, परिवार के ही हैं। किस बात को लेके आखिर क्या निकल के आए, लोगों ने क्या कहा है, किस बात को लेके? झगड़ा वगैरह था क्या? झगड़ा हुआ था। अच्छा, उसी के चलते ही अंजाम दिया घटना को? फरौती। अच्छा, फरौती की रकम जो मांगी गई है, कब फोन आया था? ये 16 तारीख के समय आया था, 11 तारीख। 16 तारीख। कितने लाख रुपए की फरौती मांगी गई? 6 लाख रुपए की फरौती। ये बात आपने तब पुलिस को बताई थी? ये उसके दूसरे ही दिन बताई। शाहजहांपुर में युवक की चाकू से घोटकर बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतक युवक गुरुवार की रात घर से लापता हो गया था। हत्या क्यों और किसने की है, बात का पता लगाने में पुलिस अभी जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की आशनाई के चलते हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। घटना थाना जलालाबाद के गुनारा मंदिर के पीछे की है, जहां शुक्रवार की सुबह लोगों ने खून से लथपथ एक लाश पड़ी देखी। युवक के शरीर पर 1.5 दर्जन से ज्यादा चाकू से गोदे जाने के निशान थे। पास में ही युवक की बाइक भी पड़ी हुई थी। आसपास खाने पीने की चीजें भी पड़ी हुई थी। बाद में युवक की पहचान इलाके के ही रहने वाले अमित यादव के रूप में हुई। परिवार वालों की माने तो रात को खाना खाने के बाद वो घर से किसी काम के लिए कहकर गया था, जिसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने उसे रात में खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुबह उसकी लाश खून में लथपथ मिली। दवा लेने शाहजहांपुर गए, शाहजहांपुर के जी 8 बजे आए शाम को, तो इन्होंने दवा रखी, दवा रखे जिनने कहा हम अभी आ रहे हैं मम्मी, तो इन्होंने चले गए। उसके बाद 9:30 बजे टाइम कम से कम हमने फ़ोन किया 9-10 बजे, तो फ़ोन इनका स्विच ऑफ जा रहा था। फिर इसके बाद फिर पता ही नहीं लगा क्या हुआ। सुबह टाइम पता लगा मार निखर चाकू मारे ख़त्म कर दिया मेरे भाई को। देखिए, एक अमित यादव है लड़का, इसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल है, और सुबह जो है 5 बजे के लगभग सूचना आई कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर तो हम लोग 5 बजे पहुँचे यहाँ पे, तो देखा कि ये लड़का गिरा है, मोटरसाइकिल उसकी बगल में है और इसके शरीर पर 10-12 चाकुओं के निशान हैं। चाकुओं से गोद के इसको मारा गया है, और अभी तक तो पूछताछ में ये पता चल रहा है कि कुछ लोग रात में इसके साथ में थे, अभी इनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है कि कौन लोग थे, और हो सकता है उन्हीं लोगों ने ये अंजाम किया हो। तो अब चूंकि पोस्टमार्टम के लिए हम बॉडी भिजवा रहे हैं, उसके बाद हम इसकी तफ्तीश में लगते हैं, जल्दी इसका रिजल्ट। आगरा शहर में शातिर चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद भी चोरों की चहलकदमी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनी महावीर नगर का है, जहाँ शातिर चोरों ने संगीत वारदात को अंजाम देकर एक परिवार की खुशियाँ छीन ली। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली सोनिया रावत का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ 25 अक्टूबर को अपने गांव रानीखेत गई थी। आज सुबह जब वापस लौटी तो उन्हें मकान के ताले टूटे हुए मिले, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सोनिया रावत का कहना है कि चोर उनके मकान से करीब 10 लाख की ज्वेलरी, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी सिटी कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि मामले में मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी रावत है। सोनी, कहाँ गए थे आप लोग, क्या कुछ हुआ, कैसे आपको? मैं रानीखेत गई थी काम से, 25 को गए थे हम। क्या हुआ फिर, कैसे पता लगा? आज हम आए हैं 5:30 बजे, तो देखा मतलब बाहर का ताला तो सही था, मेन गेट का, उसके पीछे ना जो हमने यहाँ बिजली की तार लगा रखी है ना ये सजाने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन की, वो तार से अंदर का दरवाजा बंद कर रखा था और कुर्सी वहां लगाए रखी थी। चैनल का तारा सारा टूटा हुआ था। पुलिस वाले आए, उन्होंने मतलब ऊपर से छलांग लगा के दरवाजा खोला, और फिर उसके बाद यहाँ आके देखा तो आप पीछे अंदर देखिए जरा, पूरा
आके मैं आपको नहीं, क्या क्या सामान आपका चोरी हुआ है? मेरा ना सोना सारा चला गया, ए टू जेड पूरा सोना चला गया। कितना सोना होगा लगभग? मेरा 10 तो होगा, 10 लाख के करीब तो होगा। और नकदी? नकदी वही होगा मेरे यहाँ 40-50 हजार रूपए तक। और भी जो सामान था कीमती सब ले गए? एक कंप्यूटर ले गया। और अभी तो मैंने कुछ देखा नहीं है क्या ले गया, मैं तो मेरा तो माइंड ही काम नहीं कर रहा। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, 100 नंबर पे हमने पुलिस। कितनी तारीख को आप लोग निकले यहाँ से? ये एक बंद घर का ताला टूटा है, जो घर के निवासी हैं वो गए हुए थे उत्तराखंड में, आज जब वो वापस आए हैं तो उनके घर में चोरी हुई थी और कुछ उसमें ज्वेलरी और नकदी बता रहे हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले के विश्व विख्यात वृंदावन और बरसाना धाम को सील घोषित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से वृंदावन के साधु संतों, स्थानीय निवासियों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में भी खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने सीएम योगी के प्रति आभार व्यक्त किया है। ब्रजभूमि को तीर्थस्थल घोषित करने के लिए लंबे समय से ब्रज के साधु संत और धर्माचार्य सरकार से मांग करते आ रहे थे। हाल ही में संतों के एक कार्यक्रम में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी वृंदावन के संत महंतों ने मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि धार्मिक नगरों को तीर्थस्थल घोषित किए जाने की मांग की थी। संतों की इस मांग को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और चंद दिनों बाद ही पहले चरण में वृंदावन और बरसाना दोनों नगरों को तीर्थस्थल की मान्यता प्रदान कर दी। प्रदेश के धर्मार्थ कार्य एवं संस्कृति विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सरकार के इस बड़े फैसले की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या घोषणा की है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में प्रथम बार वृंदावन और बरसाना को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी तीर्थ स्थल घोषित नहीं है। पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने के पीछे आदरणीय योगी जी के निर्देशन में हमने इसलिए किया है कि जो भी श्रद्धालु वृंदावन, बरसाना और ब्रज में आए, उनकी किसी भी धार्मिक आस्था को कोई ठेस न पहुंचे, इसलिए तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद कोई भी मांस, मछली, अंडा, शराब की दुकान नहीं होगी। दूसरे नंबर, इन दोनों ही तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए वृंदावन और मथुरा के समस्त नालों को जो यमुना जी में पड़ते हैं, उन नालों को वो यमुना जी में न पड़े ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और उन नालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को योजना भेजी गई थी। 350 करोड़ की योजना वो स्वीकृत हो गई है। वृंदावन में रोपवे की स्थापना अति शीघ्र श्री जी के दर्शन के लिए मंदिर के लिए की जाएगी। वृंदावन में सीवर लाइन के लिए भी एस्टिमेट तैयार कराया जा रहा है। वृंदावन में गहवर वन की परिक्रमा जहां प्रतिदिन हजारों व्यक्ति देते हैं, बरसाना की और गहवर वन की एक ही परिक्रमा कहलाती है, वो परिक्रमा को पूरा पक्का करने के लिए भी पवित्र तीर्थ स्थल की घोषणा के साथ कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वृंदावन में और यहाँ बरसाना में पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करने के साथ ही यहाँ अच्छी रोशनी का प्रबंध हो, इसलिए LED लाइट का भी प्रबंध किया जा रहा है। 24 घंटे विद्युत सप्लाई का भी काम होगा और बरसाना को चुनाव के बाद अति शीघ्र नगर पालिका बनाने के लिए भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है, जिसको नगर पालिका बहुत जल्दी बनाया जाएगा। मंत्री जी, क्या ये दोनों स्थान पहले हैं उत्तर प्रदेश में जो तीर्थ स्थल घोषित किए गए? ये उत्तर प्रदेश में पहले दोनों वृंदावन और बरसाना तीर्थ स्थल हैं जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में इनसे पहले या कोई भी तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया गया है। क्या वजह महसूस हुई कि इनको दोनों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया? भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को एक संदेश दिया कर्म का, पूरे संसार को गीता के माध्यम से उन्होंने
भारत भूमि की महत्ता, कर्म की महत्ता और एक धर्म की स्थापना का जो संदेश दिया, इसी तरह से आह्लादित शक्ति राधा रानी श्री जी महारानी, जिनके बगैर भगवान कृष्ण का भी समस्त जीवन अधूरा है, ये दोनों की जन्मस्थली, कर्मस्थली, लीला स्थली हैं और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। ब्रजभूमि की रज को आज भी विदेशों से और बाहर से आके लोग माथे से लगाते हैं, इसलिए इस ब्रजभूमि की महत्ता को बनाए रखने के लिए इनकी पवित्रता बहुत आवश्यक है, इनके विकास की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए इनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आज की मांग नहीं है, ये शुरू से ही लोग कर रहे थे और वृंदावन की तो बहुत ज्यादा बरसाना भी, मैं तो कहता हूँ कि समस्त ब्रजमंडल को ही तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए और ये योगी जी के लिए क्या सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, इसी प्रकार से ये काम करते रहें और अच्छा चल रहा है इस समय। अभी जो तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब क्या उम्मीद करते हैं वृंदावन में, क्या कुछ नया दिखाई देगा? वृंदावन के स्वरूप को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वृंदावन जिस नाम से पहचाना जाता है वो वृंदावन के स्वरूप को थोड़ा सा, ये ठीक है कि घोषित कर दिया है, निगम भी आ गया है, लेकिन उसको बचाते हुए है ना, जो हमारा वृंदावन का स्वरूप है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि तीर्थ स्थल घोषित होने से यहाँ डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा। कार्ष्णी नागेंद्र जी महाराज बोल रहा हूँ। नागेंद्र जी, आज जो वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया है योगी जी ने, क्या कहेंगे इस फैसले में? इस विषय पर हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है, हमें ही नहीं पूरे संत समाज को और हिंदू धर्म को, जिनकी वृंदावन के प्रति, ब्रजमंडल के प्रति आस्था है, उन सबको बहुत आनंद हुआ है, हर्ष का उल्लास हुआ है जो योगी सरकार ने बरसाना और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया है। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि हमारे योगी जी पूरे ब्रजमंडल को तीर्थ स्थल घोषित करें, क्योंकि ये ठाकुर जी की नगरी है, ठाकुर जी ने यहाँ लीलाएं की। अभी योगी जी आए थे, आप सब संतों ने मांग रखी है और एकदम जल्दी इसका क्या, तो कैसा लग रहा है सब? हाँ, ये सब अच्छा लग रहा है, संतों का मेहनत, जो संतों ने, कथाकारों ने, धर्माचार्यों ने आवाज उठाई थी, योगी जी को ज्ञापन भी दिया था कि जल्दी से जल्दी ब्रजमंडल को तीर्थ घोषित आप करें, तो उस पर योगी जी ने बड़े गंभीरता से विचार करके और हमारे बरसाना और वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित किया है। अब इस निर्णय के बाद क्या वो लग रहा है कि क्या परिवर्तन दिखाई देगा? बहुत परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि योगी जी, जब हम मुलाकात हुई थी तो योगी जी ने स्वयं बताया था कि इस पर वैष्णो देवी की तरह पूरा तीर्थ स्थल का विकास होगा और पूर्ण रूप से हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं और इस पर बहुत बड़ा हम बहुत दिव्य रूप से इसका विकास करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव इसका फिर आगे देखने को मिलेगा? इस श्रद्धालुओं के जब ये तीर्थ स्थल घोषित हुआ है, इससे तो उनके मन में और उत्साह बढ़ेगा। जो यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, जो लोग यहाँ नाक मुंह सिकोड़ करके जाते थे ब्रजमंडल में, तो वही लोग अब तीर्थ स्थल होने से उनकी आस बन गई कि जरूर अब तो निश्चित विकास होगा, तो स्वाभाविक है और श्रद्धालु बढ़ने की निश्चित स्वाभाविक संभावना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा, कहाँ से आई हैं आप? मैं जलंधर से आई हूँ। जलंधर से? हाँ जी। आज आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने वृंदावन और बरसाना राधा रानी के धाम को तीर्थ स्थल घोषित किया है। हाँ जी। घोषणा सुनकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, जो लोग कहते थे यहाँ गंदगी है, थोड़ा डेवलप होगा, मुझे बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। अब इस फैसले के बाद आप क्या उम्मीद कर रही है कि वृंदावन में क्या कुछ नया होगा? बस मेन तो यहाँ पहले सफाई का हो, कुछ अच्छा अरेंजमेंट हो, मेन सफाई का है, और भी जो जो आते हैं तीर्थ यात्री उनको थोड़ा अच्छा उनके लिए सुविधाएं। हाँ जी। तो आप इसके बाद होगा? हाँ जी। ठीक। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू, आप आज वृंदावन में हैं और आपने अभी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया है, सरकार का निर्णय को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? ये बहुत ही अच्छा हुआ कि इससे क्या है, जो दूर दूर से इतने हमारे यहाँ देखने आते हैं,
तो उनको बहुत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं ब्रजधाम है और जो हमारी राधा रानी का बरसाना है, उनकी और तरक्की होगी जिससे और सफाई बढ़ेगी, और जो साधु महात्मा जो इतनी उम्मीदें लेके आते हैं यहाँ पे, तो उनको भी यहाँ बहुत सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, तो हम इनके लिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है आपका? टीटू गौतम। टीटू, क्या काम करते हैं आप? मेरा काम है पोशाक का, मुकुट पोशाक, ठाकुर जी के धार्मिक चीजों का काम है। वृंदावन बरसाना को योगी सरकार ने तीर्थ स्थल घोषित किया है, क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर? खुशी की बात है, वृंदावन घोषित हुआ एकदम, और इसमें तीर्थयात्री और आएंगे एकदम, अगर और व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तीर्थ घोषित होने से। गए माना जाए कि स्थानीय लोगों को भी फायदा है आने वाले समय? फायदा, हाँ फायदा, बिल्कुल फायदा होगा, और आने वाले समय में कुछ निकल के आएगा निर्णय, गए देखने को मिलेगा, गए विकास भी होगा, क्योंकि तीर्थ घोषित वृंदावन हो गया और बरसाना हो गया, दोनों पे ही लाभ होगा दोनों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृति मेहता है, मैं हिमाचल ऊना से आई हूँ। आज आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वृंदावन धाम और बरसाना को तीर्थ स्थल घोषित किया है, क्या कहेंगे आप? जी, अब मुझे मीडिया से आज ही पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तीर्थ स्थल बोल दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन श्रद्धालुओं के लिए जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। जितना ज़्यादा यूपी गवर्नमेंट ये सब कर रही है उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें जानकर। ताजमहल में शाही मस्जिद है, यहाँ शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है, यहाँ मुसलमानों को नमाज के लिए शुक्रवार के दिन विशेष एंट्री दी जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वे एएसआई द्वारा नमाज पढ़ने के लिए यहाँ इमाम को भुगतान भी किया जाता है, लेकिन जब आप यहाँ नमाज पढ़ने वाले इमाम की तनख्वाह के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ताजमहल में शाही मस्जिद के इमाम सादिक अली ने बताया कि ये उनकी खानदानी जगह है, उनके दादा और वालिद भी यहाँ इमाम थे। सादिक अली की तनख्वाह के बारे में जब पत्रिका ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके दादा को मुगल काल में 15 चांदी की मोहर नमाज पढ़ने के लिए मिला करती थी। वहीं उनके पिता को एएसआई ने 15 रुपए महीने के हिसाब से तनख्वाह दी। अब वे पिछले 15 सालों से नमाज पढ़ा रहे हैं, एएसआई उन्हें 15 रुपए महीने देता है। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम सैयद सादिक अली, इमाम ताजमहल शाही मस्जिद। कब से नमाज पढ़ा रहे हैं आप? मैं नमाज, ये हमारी खानदानी जगह है, इससे पहले हमारे भाई पढ़ाते नमाज, वालिद पढ़ाते थे नमाज, 40 साल वालिद ने पढ़ाई नमाज, 66 से लेकर 2004 तक पढ़ाए बनने, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई सैयद सादिक अली इमाम 2004 से लेकर 17 तक पढ़ा रहा हूँ, मैं करीब 10-15 साल का यहाँ पढ़ाते नमाज पढ़ते हैं, तो हमें खानदानी इमाम है हमारे यहाँ पर। तो पैसा कितना मिलता है आपको? ये सही तनख्वाह देती है हमें, 15 महीने तनख्वाह देती है। वाली साहब को भी? वाली साहब को 15 रुपये लिए, उससे पहले हमारे दादा लगते हमारे, उन्होंने 15 रुपये लिए, अली जकी। और मुगल पीरियड में क्या मिलता था? 15 रुपये मिलते थे पहले? नहीं, मुगल पीरियड में, मुगल पीरियड ये आपके सिक्के 40 सिक्के मिलते थे, 15 सिक्के चांदी के जी। अच्छा, अब जो मिलना है वो बदल दिए, 15 रुपये मिलना है हमारे वाली ने 40 साल लिए, तो बाद अब 15 रुपये मुझे मिल रहा है। पहले मुगल के टाइम में 15 सिक्के चांदी के सिक्के मिला करते थे, अब उसके बदले आप 15 रुपये मिल रहा है। और इस टाइम आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 15 रुपये मिल रहा है। नहीं, कितना होना चाहिए इमाम की हैसियत से, शाही इमाम की हैसियत से कितना होना चाहिए? कम से कम कर्मचारी तनख्वाह है, तनख्वाह ले जाए जो हमारी साफ करता हमारी, उसमें तनख्वाह पूरा मिलती है। ठीक है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को 6 माह तक बंदी बनाकर उसका घमंड चूर किया है। शिवहरे कुल के श्रेष्ठ भगवान सहस्त्रबाहु की कर्म भूमि मध्य प्रदेश के महेश्वर में, जहां आज भी दीयों की अखंड ज्योत जल रही है। सदर भट्टी स्थित दाऊ जी के मंदिर में शहर में पहली बार शिवहरे समाज द्वारा सहस्त्रबाहु जयंती का आयोजन किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना की गई। मंदिर के महंत पंडित महेश चंद शर्मा ने भगवान सहस्त्रबाहु की जन्म कथा कही। इसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे ने मौके पर कहा कि समाज व जरूरतमंदों की सेवा के लिए धनवान होना जरूरी नहीं, तन और मन से भी समाज की सेवा की जा सकती है। उन्होंने शहर में पहली बार श्री सहस्त्रबाहु जी की जयंती मनाने की सराहना की।
काम करेंगे, लेकिन समय का अभाव, व्यस्तता के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन अच्छा ये रहा कि आज जिनकी हम जयंती मना रहे, आज उनका दिन है, समाज के लोग एकजुटता का परिचय देते हुए। सड़क पर बहुत से लोग बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, हालांकि परिवहन विभाग कई बार इसके लिए कैंप भी लगाता है, इसके बावजूद लोग लाइसेंस नहीं बनवाते क्योंकि इसके नियम नहीं जानते और प्रक्रिया को तमाम झंझट समझकर टालते रहते हैं। पत्रकार ने इसके नियमों को लेकर मैनपुरी के एआरटीओ राजेश कदम से बात की, देखिए क्या कहा उन्होंने। अगर आपको बिना गियर वाली 50 सीसी की मोपेड या स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आपकी उम्र 16 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर आपको 100 सीसी या इससे अधिक सीसी की गियर वाली बाइक का लाइसेंस लेना है तो आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म 2 भरना पड़ेगा। दस्तावेजों में पते का प्रमाण पत्र जिसमें आधार कार्ड बेहद आवश्यक है। 30 दिनों बाद आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आपको फॉर्म 4 भरना होगा। इसमें गाड़ी चलवा कर आपका टेस्ट लिया जाएगा। नियमावली 1989 के नियम 3 में लाइसेंस का प्रोविजन दिया हुआ है, उसके अनुसार जो नियम 4 है उसमें पते का प्रमाण पत्र और फॉर्म 1 और 2 उसमें भर के देंगे। पते के प्रमाण पत्र में आज की डेट में आधार कार्ड भी ला सकते हैं और स्लिप है, पासपोर्ट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है और एज में हाई स्कूल की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या ऐसा कोई और जिसमें कि आपकी आयु लिखी हुई वो अप्लाई करेंगे और उसके अप्लाई करने में लर्निंग में ही प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जो ट्रैफिक साइंस के ऊपर होता है। जब पर मैनपुरी में स्थान ना होने की वजह से जगह, चूँकि हमारा कलेक्ट्रेट में कार्यालय चल रहा है इसलिए जगह नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटराइज होने का पहले ही आए हुए हैं तो लग नहीं पा रहे, उस पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेस्ट में वो रूट ट्रैफिक साइंस का पास करके ऑटोमेटिकली हो जाता है और उसका चढ़ जाएगा। आज की डेट में हम मैनुअली पूछते हैं उनसे कि आपके पास कौन से चिन्ह जानते हैं, कौन से चिन्ह नहीं जानते हैं, उस आधार पर हम उनको लाइसेंस में फेलर पास की पत्ती अपनाई जा रही है। दूसरा, उसके बाद 30 दिन के बाद वह व्यक्ति आएगा कि सीख लिया है मेरा लाइसेंस परमानेंट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक खबरें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। लॉग इन करें www.patrika.com।